वेलकम बैक टू हॉलीवुड हिंदी। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लूसी होता है और वह डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसके गले में ट्यूब डालता है जिसमें एक बैलून लगा रहता है। वह लूसी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करता है जिसके लिए लूसी को पैसे मिलते हैं। लूसी एक स्टूडेंट है और पैसों की कमी के कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करती है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वह एक कैफ़े में जाती है जहाँ पर वह क्लीनर का काम करती है। अगले सीन में लूसी एक बार में बैठी थी जहाँ पर लूसी की एक फ्रेंड आती है और लूसी को लेकर वह दोनों साथ में ड्रग्स लेने लगते हैं। ड्रग्स लेने के बाद वह लड़की लूसी को दो आदमियों के पास लेके जाती है। उनमें से एक लूसी से पूछता है कि तुम किसके साथ डिंग डिंग करना पसंद करोगी, तो लूसी कहती है कि इस चीज़ के लिए तुम दोनों आपस में टॉस कर लो, और टॉस में एक बूढ़ा आदमी जीत जाता है और लूसी को लेकर निकल जाता है। फिर अगले सीन में लूसी एक घर के अंदर जाती है जहाँ पर एक लड़की और एक आदमी थे। आदमी लूसी को देखकर उससे पूछता है कि क्या तुमने घर का किराया दिया, तो लूसी कुछ रुपए निकाल कर उसकी फ्रेंड को पकड़ा देती है। फिर आदमी कहता है कि इस बार बाथरूम साफ़ करने की बारी तुम्हारी है लूसी। फिर लूसी बाथरूम को साफ़ करती है और फिर सोने चली जाती है। फिर अगले सीन में लूसी एक ऑफिस में दिखाई देती है जहाँ वह पेपर प्रिंटिंग का काम करती है। तभी कंपनी के फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आता है जो कि लूसी से उसके एटीएम के बारे में कुछ जानकारी पूछती है। फिर लूसी एक दूसरे घर में जाती है जहाँ एक आदमी रहता है जिसका नाम बॉब मैन है और ये लूसी का बॉयफ्रेंड था। लूसी उसके लिए कुछ लेकर आती है और उसे खाने के लिए देती है। दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और यहीं हमें पता चलता है कि बॉब मैन बीमार रहता है। फिर अगले दिन लूसी न्यूज़पेपर में एक ऐड देखती है और टेलीफोन बूथ पर उस ऐड पर कॉल करती है। कंपनी वाले लूसी से उसकी पर्सनल चीज़ें और उसके फिगर के बारे में पूछने लगते हैं और उसे कंपनी में आने का ऑफ़र देते हैं। फिर लूसी उसी कंपनी में जाती है। कंपनी में उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम क्लारा होता है। क्लारा उसे कहती है कि तुम्हें रात में जॉब करना होगा और वहाँ तुम्हें प्राइवेट पार्टीज़ में क्लाइंट्स के मनपसंद कपड़े पहनकर उसे और दूसरी लड़कियों को वेट्रेस का काम करना होगा और इसमें मुझे किसी तरह के नखरे नहीं चलेंगे, और जो अच्छे से काम करेगा उसे जल्दी ही प्रमोशन मिलेगा। इस काम के लिए तुम्हें हर घंटे $250 मिलेंगे। क्लारा लूसी से कहती है कि तुम्हें किसी के साथ भी डिंग डिंग नहीं करना होगा, मतलब किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होना वरना तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे। फिर लूसी कहती है कि ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब क्लारा उसे कहती है कि खड़ी हो जाओ और उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। लूसी वैसा ही करती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर वह लड़की फ़ोन करके एक थॉमस नाम के आदमी को अंदर बुलाती है। फिर थॉमस क्लारा के साथ मिलकर लूसी की बॉडी और उसके फिगर को चेक करते हैं। फिर लूसी को कपड़े पहनने के लिए ऑर्डर देते हैं। फिर क्लारा लूसी से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या एलर्जी है, तो लूसी उसे कहती है कि उसे कोई एलर्जी नहीं है। फिर क्लारा उससे स्मोकिंग और ड्रग्स के बारे में पूछती है। फिर लूसी उससे बोलती है कि वह स्मोकिंग और ड्रग्स बिल्कुल नहीं करती। फिर क्लारा लूसी से कहती है कि हमारे डॉक्टर तुम्हारा ब्लड टेस्ट करेंगे, तो लूसी इसके लिए भी रेडी हो जाती है। फिर क्लारा लूसी से कहती है कि तुमने टेलीफोन बूथ से कॉल क्यों किया, क्या तुम्हारे पास अपना पर्सनल फ़ोन नहीं है, तो लूसी जवाब देती है कि नहीं। फिर क्लारा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सिल्वर सर्विस के बारे में कुछ पता है, तो लूसी कहती है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा नहीं। फिर वह कहती है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड और बहुत खूबसूरत हो। फिर जाते जाते उससे कहती है कि हम लोग तुम्हें वापस बुलाएंगे और तुम्हें सुंदर बनाने के लिए कुछ वैक्स करवाना पड़ेगा। लूसी क्लारा को ओके कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन लूसी की पूरी बॉडी को वैक्स किया जाता है। इसके बाद लूसी वापस बॉब मैन के घर आती है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। लूसी उस दिन ड्रिंक सर्व करने की प्रैक्टिस करती है। फिर रात के वक्त वह घर से बाहर निकलती है। वहाँ एक ड्राइवर घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है और यह उसकी जॉब की पहली रात थी क्योंकि उसकी जॉब सिर्फ रात की थी। वह लूसी को एक घर में ड्रॉप करता है जहाँ उसे सोफी नाम की लड़की मिलती है जो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ कुछ काम करना होगा और थोड़ी ड्रेसिंग करनी होगी।
फिर वह लूसी को लेकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है, जहां लूसी को हाफ नेकेड ड्रेसेस पहनाई जाती हैं। मेकअप और ड्रेसअप करने के बाद वह लूसी को सभी लड़कियों के पास ले जाती है। फिर वहां से लूसी को लेकर वह डाइनिंग हॉल में चली जाती है, जहां कुछ बूढ़े लोग आते हैं और फिर लूसी उन्हें ड्रिंक सर्व करने लगती है। अगले सीन में कुछ बूढ़े लोग हाफ नेकेड लड़कियों के साथ बैठे रहते हैं और ड्रिंक करते रहते हैं। पार्टी के वक्त एक बूढ़ा आदमी लूसी की टांग में अपनी टांग फंसाकर लूसी को नीचे गिरा देता है, जिससे लूसी को थोड़ी चोट लग जाती है। पार्टी के बाद सोफी लूसी को पैसा पकड़ा रखे बोलती है कि आज रात के लिए तुम्हारी यहाँ बस इतनी ही ज़रूरत थी। फिर लूसी अपने घर चली जाती है और कमाई से एक नोट निकाल कर उसे जला देती है। फिर अगली रात लूसी वापस उसी घर में जाती है, जहाँ सोफी उसे कहती है कि तुम टेंशन नहीं लो, धीरे धीरे तुम्हें यह काम आसान लगने लगेगा। लूसी उसे कहती है कि तुम कब से यहाँ काम कर रही हो। सोफी उससे कहती है कि इस सवाल का क्या मतलब है। फिर लूसी सोफी से सॉरी बोलती है। काम ख़त्म होने के बाद लूसी बार में जाती है, जहाँ एक आदमी आकर उससे बातें करने लगता है। लूसी उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर वह उसे अपने कपड़े का अंदर का दिखाती है और उसे इंटीमेट होने के लिए कहती है। फिर अगली सुबह लूसी बॉबमैन के घर जाती है और लूसी बॉबमैन से पूछती है कि क्या तुम उससे शादी करोगे। बॉबमैन कहता है कि हाँ। बॉबमैन उसके लिए कॉफ़ी बनाता है। फिर दोनों मिलकर टीवी देखते हैं। अगली सुबह जब वह कॉलेज में थी, तब थॉमस लूसी को कॉल करने लगता है और कुछ एक्स्ट्रा काम की बात करने लगता है। लूसी रेडी हो जाती है और ड्राइवर के साथ उसके घर जाती है। क्लारा उससे फ्रेश होने के लिए बोलती है। फिर क्लारा उसे कुछ पीने के लिए देती है, जिसमें ड्रग्स मिले रहते हैं, जिसके बाद लूसी बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में लूसी बिना कपड़ों के एक कमरे में बेहोश पड़ी रहती है, जहाँ क्लारा एक बूढ़े आदमी के साथ आती है और यह वही बूढ़ा आदमी था जिसने उस रात पार्टी करवाई थी। क्लारा उस बूढ़े आदमी से कहती है कि यह लूसी है, पर तुम इसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकते हो। वह बूढ़ा आदमी ओके कहता है और क्लारा वहाँ से बूढ़े आदमी को एन्जॉय बोलकर चली जाती है। फिर बूढ़ा आदमी अपने धीरे धीरे कपड़े उतारने लगता है, उसके पास जाता है और उसकी बॉडी को देखने लगता है। काफ़ी देर तक वह बूढ़ा आदमी उसे घूरता रहता है और फिर उसे पकड़ कर उसके साथ सो जाता है। इसके बाद अगले सीन में ड्राइवर लूसी को घर छोड़ने जाता है। यहाँ पर लूसी की यही जॉब थी कि उसे ड्रग लेकर बेहोश हो जाना है और वह आदमी उसके साथ सोएंगे, उसके शरीर को निहारेंगे और सहलाएंगे, लेकिन कोई डिंग डिंग नहीं होगा, जिसका मतलब कोई भी लूसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, क्योंकि क्लारा सभी आदमियों से पहले ही एग्रीमेंट साइन करवा लेती है। उसके बाद अगले सीन में लूसी एक महंगे होटल में एक रात बिताने के लिए जाती है, अपने सारे पैसे खर्च कर देती है और वह रात भर बिना कपड़ों के सोई रहती है। फिर वह अगले दिन प्रिंटिंग कंपनी में जाती है और वहीं पर सो जाती है। उसकी कंपनी के मैनेजर आती है, लूसी को देखती है, लेकिन वह लूसी को कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद लूसी थॉमस को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या उसके लिए कुछ दूसरे काम हैं। फिर वह वापस डॉक्टर के पास जाती है, जो ट्यूब से उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता है और उसे पैसे दे देता है। तभी थॉमस का उसके पास कॉल आता है और लूसी फिर से क्लारा के पास जाती है। एक न्यू कस्टमर आया था, वह बूढ़ा आदमी था। लूसी ड्रग्स पीने के बाद फिर वैसे ही बिना कपड़ों के लेटी रहती है। वह बूढ़ा आदमी लूसी की बॉडी को घूरता है, लूसी को गंदे गंदे शब्द बोलने लगता है और उसको मॉलेस्ट करने लगता है। लूसी बेहोश पड़ी रहती है, वह लूसी की पूरी बॉडी को चाटने लगता है और उसके साथ सो जाता है। और अगले सीन में ड्राइवर फिर लूसी को वापस अपने घर छोड़ देता है। लूसी को कुछ पता नहीं रहता कि आखिर उसके साथ होता क्या है, क्योंकि जब वहाँ जाती है तो बेहोश ही रहती है और उसे सुबह जाके होश आता है, इसलिए उसे रात की कोई बात याद नहीं रहती। अगले सीन में जब लूसी कॉलेज में क्लास कर रही थी, तो उसे बॉब मैन का कॉल आता है, तो वह क्लास बीच में ही छोड़कर बॉब मैन के पास चली आती है। बॉब मैन बीमार बेड पे पड़ा रहता है। वह लूसी से कहता है कि अपना टॉप ऊपर करो और लूसी वैसा ही करती है। वह अपना टॉप उतार देती है और उसके साथ रोते हुए सो जाती है। अगले सीन में लूसी एक आदमी के साथ वाइन पीने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम उससे शादी करोगे, और वह आदमी उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो।
वह पहले से ही शादीशुदा है और यह बात तुम्हें पता है। इसके बाद अगले सीन में क्लारा फिर लूसी फिर से क्लारा के घर में बेहोश पड़ी रहती है और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी फिर आता है और उसे खींचकर गोद में उठाता है और फिर वापस बेड में रखते वक्त वह लूसी को संभाल नहीं पाता। लूसी नीचे गिर जाती है और वह बेहोश ही पड़ी रहती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि लूसी को प्रिंटिंग जॉब से निकाल दिया जाता है। उसके बाद लूसी एक शॉप पर जाती है और वहाँ से एक छोटा कैमरा खरीदती है। फिर लूसी बार में अपना काम करती है, तभी एक आदमी आता है और उससे बातें करता है और वह लूसी को एक ड्रग दिखाता है और कहता है कि इसे खाने के बाद तुम दूसरी दुनिया में खो जाओगी और अलग महसूस करोगी। लूसी उस ड्रग को खा लेती है। फिर दोनों स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। फिर अगले सीन में ड्राइवर लूसी को एक होटल में लेने आता है क्योंकि उसे थॉमस ने पहले ही कॉल करा था। ड्राइवर जब लूसी को क्लारा के पास ले जाता है तब लूसी को उल्टियाँ होने लगती हैं। लूसी वापस से गाड़ी में बैठकर क्लारा के पास जाती है। लूसी क्लारा के पास पहुँचती है तो क्लारा लूसी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो लूसी कहती है कि हाँ, वह बिल्कुल ठीक है। फिर लूसी कहती है कि उसे जानना है कि जब वह बेहोश होती है तो उसके साथ क्या-क्या होता है। लेकिन क्लारा उसे बिल्कुल मना कर देती है और कहती है कि यह हमारे रूल्स के खिलाफ है क्योंकि हमारे क्लाइंट को जब यह पता चलेगा तो यह हमारे लिए खराब होगा। और क्लारा लूसी को ड्रग देती है तो लूसी वह पूरी ड्रग नहीं लेती और फिर कमरे में वैसे ही बिना कपड़ों के लेट जाती है। और जब कमरे में कोई नहीं रहता है तब वह अपने कैमरे निकाल कर कमरे के एक कोने में लगाने लगती है जहाँ उसे कोई देख ना पाए। और अगले सीन में बूढ़ा आदमी जब रूम में आता है तो क्लारा उसे कॉफ़ी देती है और क्लारा जब चली जाती है तो बूढ़ा आदमी अपने कपड़े उतार कर लूसी के साथ सो जाता है। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि जब क्लारा कमरे में आती है तो देखती है कि वह बूढ़ा आदमी मर चुका है और लूसी भी बिल्कुल बेहोश है। तो क्लारा डर जाती है और लूसी को होश में लाने की कोशिश करने लगती है। फिर लूसी को होश आता है और लूसी देखती है कि वह बूढ़ा आदमी उसके बगल में मरा हुआ पड़ा है और लूसी रोने लगती है। और लास्ट में लूसी के कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियो को थोड़ा सा दिखाते हैं जिसमें लूसी और वह बूढ़ा आदमी दोनों एक दूसरे के साथ लेटे रहते हैं और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।